क्या सिंधिया के कारण ग्वालियर नगरी निकाय चुनाव में हारी बीजेपी? अपने ही गढ़ में हार से सिंधिया का घमंड चूर चूर। दो दो केंद्रीय नेताओं की भरपूर कोशिश के बाद जनता ने नकारा बीजेपी को। क्या सिंधिया के दल बदल का बदला ले लिया जनता ने? ग्वालियर के नतीजों ने सियासी पंडितों को चौंकाया। क्या सिंधिया से हो गया है लोगों का मोह भंग? क्या जनता ने कांग्रेस से बगावत की सिंधिया को दी है सजा? जनता ने सिंधिया का घमंड किया चकनाचूर। 1.25 लाख मतों से खुद के गढ़ को हार बैठे थे सिंधिया। सिंधिया के अजीज केपी यादव ने सिंधिया को लोकसभा में हराया। ग्वालियर नगर निगम पर 57 साल बाद कांग्रेस का कब्जा। बीजेपी की महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा को जिताने के लिए झोंकी थी ताकत। जनता ने सिंधिया को सिरे से किया खारिज। कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सिकरवार ने 28,805 वोट से बीजेपी प्रत्याशी को हराया। बीजेपी प्रत्याशी सुमन शर्मा ने पार्टी को सुनाई खरी खोटी। बीजेपी पार्षद जीते तो महापौर क्यों हार गई? मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। प्रदेश की शहरी निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत किले भी धराशायी हो गए हैं। 11 नगर निगमों में चुनाव हुआ था, जिनके नतीजों में से 7 नगर निगम के मेयर चुनाव में बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे देखकर भले ही ऐसा लगे कि बीजेपी को बढ़त मिली है, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। बीजेपी के कई दिग्गज अपना गढ़ भी नहीं बचा सके। करीब 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में निकाय चुनाव नतीजे बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं, तो कांग्रेस के लिए किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं। वहीं कांग्रेस की शानदार जीत पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को ऊर्जा मंत्री और भारत सिंह से पूछना चाहिए, उनके क्षेत्र में भाजपा के पार्षद जीते तो महापौर क्यों हार गईं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समीक्षा गुप्ता के कार्यकाल में विकास कार्य हुए थे, जिसका फायदा शेजवलकर जी को मिला। दिग्गज नेता क्यों नहीं बचा पाए अपने ही बात? भाजपा के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने ही वार्ड क्यों नहीं बचा पाए? ये दिग्गज नेता अन्य वार्ड और पूरे शहर में सक्रिय रहे, लेकिन अपने वार्ड को लापरवाही में ले गए और उसका नतीजा ये रहा कि वही इनको और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह के वार्ड 27 में कांग्रेस की जीत। ग्वालियर के मुरार स्थित वार्ड क्रमांक 27 केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर का वार्ड है। इसी वार्ड में सिंधिया समर्थक और बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल भी रहते हैं। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेश शर्मा का भी यही गढ़ है। इसके बाद भी भाजपा नगर निगम चुनाव में ये वार्ड कांग्रेस से हार गई है। वार्ड 27 से कांग्रेस की लक्ष्मी सुरेश सिंह ने भाजपा की यामिनी राणा को हरा दिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के वार्ड 17 से भाजपा की रेणु शाक्या को किरण धर्मेंद्र शर्मा ने सीधे तौर पर मात दे दी है। अब इस हार से नेताजी की विधानसभा की तैयारियों को गहरा झटका लगा है, जो नेता के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सिंधिया घराने की दल बदलने की राजनीति। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव सिंधिया ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत जनसंघ से की थी, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ये 70 के दशक की बात है, लेकिन 90 के दशक में एक ऐसा भी दौर आया था जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। माधवराव सिंधिया की माँ विजया राजे सिंधिया भी पहले कांग्रेस में ही थी, लेकिन 1969 में जब इंदिरा सरकार ने प्रिंसली स्टेटस की सारी सुविधाएं छीन ली, तो गुस्से में आकर विजया राजे सिंधिया जनसंघ में आ गई थी। 11 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी के पाले में आ गए थे। सिंधिया घराने पर दल बदलने का ठप्पा लग गया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने सिंधिया को गद्दार तक कह दिया था।
ग्वालियर से योगेश बिसारिया की विशेष रिपोर्ट।